करनाल में शुक्रवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। बैठक में 14 परिवाद रखे गए, जिसमें से मंत्री ने 11 परिवादों को निपटान किया तथा कुछ परिवादों की कार्यवाही करते हुए अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। इस बैठक में गांव सांभली वासी रामगोपाल के परिवाद पर सुनवाई करते हुए किसान ने बताया कि उनकी गेहूं की फसल वर्ष 2018 में बरसात के कारण खराब हो गई थी, परंतु उन्हें बजाज कंपनी द्वारा इसका मुआवजा नहीं दिया गया। जांच रिपोर्ट में उपनिदेशक कृषि ने बताया कि नियम के अनुसार किसान की फसल का मुआवजा नहीं बनता, क्योंकि यह फसल कटाई से 15 दिन पहले का मौका है और गांव के खराबे के आंकलन के अनुसार नुकसान नहीं बनता, इसलिए किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। इस पर किसान ने कहा कि मंत्री जी, जब हमने अपनी फसल का बीमा करवाया है तो हमें खराबे पर मुआवजा मिलना चाहिए। इस पर मंत्री ने कंपनी के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि वह मामले की जांच करके किसान के मुआवजे की भरपाई करवाने का प्रबंध करे। एक अन्य परिवाद में नीलोखेड़ी वासी चुन्नीलाल ने प्लाट की रजिस्ट्री ना होने के परिवाद पर सुनवाई करते हुए बताया कि उन्होंने गाँव अर्जाहेड़ी में एक प्लॉट खरीदा था। तत्कालीन BDPO और तहसीलदार के बहुत चक्कर काटने के बाद भी उनके प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई, जबकि उन्होंने सभी कागजात पूरे कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि रजिस्ट्री के लिए जमीन की कनेक्शन डीड होती है, जो कि परिवादी के पास नहीं होती। इसके लिए मंत्री ने उपायुक्त को कहा कि वह अगले एक महीने तक इस समस्या का हल करवाए। बैठक में नई सब्जी मंडी करनाल स्थित गांधी फूड कंपनी के परिवाद में दुकान की सारी किस्तें जमा कराने के बाद भी मार्केट कमेटी द्वारा उनकी ओर राशि देनी निकाली है। जांच रिपोर्ट के बाद पाया गया कि दुकान के मालिक ने जो पैसे दिए हैं उनकी रसीद दे दी गई है, परंतु दुकान मालिक ने रसीदों पर नकली होने का आरोप लगाया है, जिस पर मंत्री ने रसीदों की जांच करवाने के संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए और मार्केट कमेटी के मुख्य प्रशासक चंडीगढ़ को जांच के बाद दुकानदार से जमा अधिक पैसे वापस करने के लिए लिखे हैं। इसके अलावा और भी कई शिकायतों का जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में निवारण किया गया। आइए आपको दिखाते हैं जिला शिकायत निवारण समिति की कुछ झलकियां। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। क्या दीवार के खर्चे को लेकर के डाला है ना कोर्ट? हमने डाला, उसने डाला। वो आपके वो उठाएगा, वो कहना मैंने उठाने नहीं सारी जिंदगी, आपको बैठने दूंगा, मतलब बैठने दो, केस तो ये मैडम आप एक बार कोई इसका ऐसा नहीं है, ये कहा का को है अगर वो नहीं देगा तो बैठी सकता हूँ। कर्मचारी है और दो लोग हमने कट जाती है, कटने के 15 दिन के बाद अगर जो गेहूं की फसल खेत में पड़ी हुई है और बारिश होती है तो उसमें कवर होता है, और यदि गेहूं की फसल 15 दिन पहले अप्लीकेशन आती है कटने से 15 दिन पहले कि मैंने गेहूं जी काटनी थी और मेरी नुकसान हो गया, तो उसके अंदर नियम ये है कि जो गांव के पूरे गांव की इल्ड आएगी, पूरे गांव की जो पैदावार होगी, पूरे गांव में नुकसान होगा तो दिया जाएगा,
ये तो 15 दिन पहले ऐसी कोई एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं की जाएगी। इनका भी रामगोपाल जी का मामला भी यही था कि इन्होंने गेहूं कटाई से 15 दिन पहले दरखास्त दी कि जी मेरे यहाँ ये खराबा हो गया, इनकी इंस्पेक्शन भी करवा दी, लेकिन बीमा कंपनी ने ये कहा कि जी ये नियमानुसार जो गाँव की पैदावार कम होगी तो उसमें शामिल होगा, व्यक्तिगत श्रेणी में ये मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये मामला सर, सर जब बीमा कंपनी ने इसका सर्वे किया तो उन्होंने लिख के दिया मेरे भाई इसमें 20% नुकसान हुआ, ये 26% नुकसान हुआ जो 17-18 में मेरी रबी की फसल का था। और उसके बाद उन्होंने पहले तो ये कह दिया आपका मुआवजा दिया जाएगा, मैं जैसे ही आया इन्हें फोन करते रहे, फिर मेरे पास आया आपका पोर्टल पे नहीं चढ़ा दिए, मैं इसकी पोर्टल की वो रिपोर्ट ले गया बैंक से इन्हें 5-12 में। और ये फसल बीमा जो कंपनी है सर, मैं एक और संज्ञान में लाऊंगा आपके, 2 साल इन्हें डंगवारा करके, अभी 2 साल तक करनाल में रहना, फिर मैं 2 साल बाद हिसार वाली करनाल आ जाएगी, करनाल वाली हिसार चली जाओगी। सर इनने डीसी रेट पे कर्मचारी रख रखे, सर इनका कोई दफ्तर नहीं है, मतलब कम से कम ये करोड़ों अरबों रुपए एक जिले से ले रहे हैं, एक कम से कम एक दफ्तर बनाते हैं, एक जिम्मेदार आदमी बैठाते हैं। हम जाओगे डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास, डिप्टी डायरेक्टर साहब फोन करते रहोगे, आगे तो कोई फोन नहीं उठाता सर। सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी सर इनकी वजह से डिस्टर्ब है, पूरा मेरा जिला डिस्टर्ब है सर। एग्रीकल्चर वाले पूरा सहयोग कर जी, हम जितने दफा वहां गए इन्होंने पूरा सहयोग करा, सामने ही फोन किया, फोन ही नहीं उठाते। मैं फिर डॉक्टर साहब को मिला, डॉक्टर साहब ने फोन करते आप पीछे पड़े रवि 17-18 में हमारे पास फसल बीमा करने के लिए मिला था का नाम, और खरीफ 16 में भी हमारे पास था सर। खरीफ 17 में पूरे हरियाणा में हमारे पास 2 क्लस्टर थे सर, उसके अंदर हमने अकेले खरीफ में 350 करोड़ का क्लेम दिया था सर, ठीक है। इसी तरह हमने रबी में 36 करोड़ का क्लेम दिया था सर। ऐसा नहीं है कि सर बीमा कंपनी सिर्फ प्रीमियम लेती है और क्लेम नहीं देती है सर, इनका भी खरीफ का जो क्लेम बना था वो हमने दिया है सर। ये कह रहे हैं कि एक पैसा भी नहीं देती है, तो इनका खरीफ का क्लेम हमने दिया है। ये रिपोर्टिंग किया सर, रिपोर्ट मैंने ये कह रहा है, हमने पैसे आपको भी दिए, आप ये कह रहे हैं 22,720 रुपए। मैं आगे ये कहना चाहूंगा जो इस रिपोर्ट के बारे में है, जब किसी किसान का सर इंटीमेशन आता है, जब वो कंप्लेंट लेके आता है, तो हमें उसका सर्वे करना पड़ता है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। उसके बाद ये जो सर्वे होता है वो जॉइंट कमेटी करती है, उसमें एक किसान होता है सर, डिपार्टमेंट का कर्मचारी होता है, और बीमा कंपनी होती है सर। तो जो मौके पे देखा जाता है नुकसान है या नहीं है, तो उसमें वो उसका कारण भरा जाता है कि किस वजह से नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। फिर बाद में उसका अवलोकन किया जाता है कि वो नुकसान जो गाइडलाइन के पैरामीटर के अनुसार है या नहीं है। गाइडलाइन के पैरामीटर के अनुसार इनका जब लॉस हुआ है सर, वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में आता है, जो कटाई के 15 दिन के पहले का एरिया है। उस टाइम पे अगर इनकी फसल कटने के बाद लेटी हुई अवस्था में सुखाने के लिए जो रखी जाती है, अगर उस टाइम पे लॉस होता है तो वो कवर होता है। अदरवाइज जो खड़ी अवस्था में अगर लॉस होता है, तो वो क्रॉप कटिंग के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो जिसमें पूरे गांव की यील्ड देखी जाती है, उसके अंदर जो भी नुकसान आता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ये तो आपका एक ऐसा होगा बीमा कंपनी बंद कर दिया, तब किया नोटिस बाद में लगाया बैंक में, पैसा पहले कट गया। ये क्या तरीका है जी, जब ये पैसा तुम्हारा काट रहे हैं नुकसान कौन देगा। मैंने 10,000 रुपए हर किसान मैं कटवा रहा हूँ जी, जो पहले नहीं कटे मैंने नहीं लिया इनका, मेरा नुकसान नहीं होया। पहले कि मैंने एक डिग्री में नुकसान हो गया था, इनसे ले लिया, उससे पहले भी दिया मैंने, उसमें नहीं लिया मैंने, नुकसान नहीं होया। जब मेरा नुकसान हो यार, जब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब क्या दादी, अब ये मेरे घर है भाई, आप कंज्यूमर कोर्ट में डाल दो, कंज्यूमर कोर्ट में तो मेरे को पता है जी कंज्यूमर में क्या हुआ। मैं यहाँ से जीत जूंगा, मेरे आप लोग खराब हो गए दीदी एफड़ में, मैं यहाँ जीत गया, उन्होंने स्टेट कमीशन में कर दिया, स्टेट में मैं जीत जूंगा। मैंने पता, मैंने इतने डॉक्यूमेंट लगा रखे उनको, मैं धरना छोड़ता नहीं, सारा लेऊंगा। क्यों, मैं गलत तो काम किया नहीं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।